नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीहोर के इंटरनेशनल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाएं रोकने की मांग की गई है। कांग्रेस ने उन पर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए वोट मांगने के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। सीहोर जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में राजनीति करने, बीजेपी के लिए वोट मांगने की चुनाव आयोग से शिकायत की। उन्होंने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम संबोधित पत्र सीहोर कलेक्टर कार्यालय में दिया। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का एक वीडियो भी सौंपा है, जिसे परतवाड़ा का बताया जा रहा। दतिया में जब शादी के जूड़े में एक दुल्हन पुलिस थाने पहुंची तो पुलिसकर्मी उसे देखकर हैरान रह गए। थाने पहुंचे दुल्हन ने अपने दूल्हे के खिलाफ रेप का आरोप दर्ज करवाया। पूरा मामला दतिया के भांडेर कस्बे का है। यहां दुल्हन ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसका 5 साल से लव अफेयर चल रहा था और प्रेमी से शादी भी तय हो गई थी, लेकिन शादी के रात प्रेमी बारात लेकर नहीं आया और गायब हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। रीवा की एक लेडी डॉक्टर ने गुजरात की एक टीचर पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लेडी डॉक्टर तलाकशुदा है और उसका कहना है कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उसकी पहचान गुजरात की टीचर से हुई थी। फिर दोनों में बातचीत होने लगी और टीचर उससे मिलने रीवा आया और 25 दिन तक रहा। इस दौरान टीचर ने बेहोश कर उसकी अश्लील वीडियो बना लिए, जिन्हें अब वो उसके रिश्तेदारों और परिचितों को भेज रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच में ले लिया। इंदौर पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने खजुराना क्षेत्र में भाजपा नेता के घर छापेमार कार्रवाई करते हुए सट्टे का पर्दाफाश किया। मौके से पुलिस ने भाजपा नेता, उसके बेटे सहित 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 11 लाख रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की। मध्य प्रदेश में गर्मी अपना तीव्र असर दिखा रही है। बुधवार को प्रदेश का रतलाम जिला लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं भोपाल और इंदौर भी गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। भोपाल में बुधवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मध्य प्रदेश के कई शहरों का तापमान 43 डिग्री के पार पहुँच गया। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान से पहले बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। बुधवार देर रात हुई। इस झड़प में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि पार्टी के 7 कार्यकर्ता घायल भी हुए। स्थानीय भाजपा नेताओं का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियार से हमला किया। हालांकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज किया। बेंगलुरु के 3 बड़े होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द ओटीरा समेत 3 होटलों में बम होने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार फिलहाल बम स्क्वाड और पुलिस की टीम द ओटीरा होटल में और जांच कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो मामले में कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने पीएम मोदी से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की भी मांग की। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार की चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले में ओबीसी के तहत मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को भी निरस्त कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार को भी घेरा। बिना पंजीकरण चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को लौटाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी जारी की है। चारधाम यात्रा के लिए उमड़ी भारी भीड़ की वजह से सरकार को व्यवस्थाएं बनाने में मुश्किलें हो रही। अब तक चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख पार हो चुका है। भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने पंजीकरण का सख्ती से अनुपालन करना शुरू कर दिया। फिलहाल प्रमुख खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।